बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पेंशन्स को अगस्त महीने का जो पेंशन थी वो 9 तारीख को देने की घोषणा की है। ये बड़े दुख की बात है, बड़ी गंभीर बात है और भेदभाव पूर्ण बात है, चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्तीय संकट का हवाला दे करके पेंशनों के साथ जो धोखा किया है, ये पेंशन कभी भी इसको माफ नहीं करेंगे। और पेंशन जो है अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए अग्रसर रहेंगे। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि जिस तरीके से आपने सितंबर महीने की और अगस्त महीने की जो पेंशन है आपने 9 और 10 तारीख को दी है, आने वाले समय में आप इस पेंशन को पहली को दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हम आपका घेराव करेंगे और हिमाचल प्रदेश के सरकार की जो फजीहत हो रही है उसको और भी हम फजीहत उनकी करेंगे। मेरा इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश के 1/16 से लेकर के जो 31 जनवरी 2022 तक के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके जो फाइनेंशियल बेनिफिट हैं, जिसमें कम्यूटेशन लीव इनकैशमेंट एंड ग्रेचुटी, उसकी अदायगी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं कर रही है और वो करोड़ों रुपये का पैसा जो है वो सरकार के पास पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, लंबित है। तो हमारी ये भी मांग चली है हिमाचल प्रदेश सरकार से कि उस बेनिफिट को हमारे उन भाइयों को, पेंशनरों को दिया जाए, तुरंत दिया जाए, अतिशीघ्र दी जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर करने के बाद भी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहाने लगा रही है, उसमें SLP में चली गई है और आनाकानी कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जो वित्तीय संकट का हवाला दे करके आप जो हमारे साथ पेंशनों के साथ और कर्मचारियों के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, आपका बर्ताव सही नहीं है, भेदभावपूर्ण है और अन्यायपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, कांगड़ा।